अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट क्राफ्ट आइडियाज़। आज की वीडियो में मैं आपको जो है पेपर क्राफ्ट आइडियाज़ दिखा रही हूँ। आपको मैंने इससे पहले भी बहुत सारे पेपर क्राफ्ट आइडियाज़ दिखाए हैं। आज की पेपर क्राफ्ट आइडिया का जो थीम है वो जो है पेपर फ्लावर फैन है। बहुत ही खूबसूरत पेपर के बने हुए जो है वो फैंस हैं, क्राफ्ट है, लेटेस्ट क्राफ्ट आइडियाज़ है, डेकोरेशन है, माइंड ब्लोइंग डेकोरेशन है। आप इस तरीके डेकोरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी होगी। आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए भी इस तरीके की जो है वो डेकोरेशन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके डेकोरेशन जो है आप अपने घर में यूजली अपने ड्राइंग रूम्स वगैरह में जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके के फैंस आप इजीली बना सकते हैं होम में और इन्हें जो है डेकोरेट कर सकते हैं। बर्थडे वगैरह में भी आप इन्हें लगा सकते हैं। इजी पेपर फैंस हैं, डाई है, क्राफ्ट है, आइडियाज़ हैं, लेटेस्ट आइडियाज़ हैं। इंशाल्लाह आप इन वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सारे ही क्राफ्ट आइडियाज़ बहुत ही खूबसूरत हैं, लेटेस्ट हैं। इसमें आपको फ्लोरल भी मिलेगा। ये देखें, पेपर के बने हुए हैं, दरमियान में फ्लोरल डेकोरेशन कर दी गई है। बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत डेकोरेशन है। आइडियाज़ को घर में ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी ऐसी बहुत अच्छी क्राफ्ट वीडियोस जो है वो लाती रहूँगी, ताकि आप इंजॉय करें वीडियोस से और अपने घर में इन्हें ज़रूर ट्राई करें। जब आप इन्हें ट्राई करिएगा तो मुझे बताइएगा कि आपको इन्हें कैसे लगे, तो मैं आपके लिए और भी इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ फिर लाती रहूँगी क्राफ्ट के मुतालिक। लेटेस्ट क्राफ्ट आइडियाज़ में आपको हर तरह के क्राफ्ट आइडियाज़ मिलेंगे, माइंड ब्लोइंग क्राफ्ट आइडियाज़ मिलेंगे, जिनसे आपको बेहद खुशी होगी जब आप उन्हें ट्राई करेंगे, और जिन्हें ट्राई करना बहुत ज़्यादा इजी होगा और उस क्राफ्ट को करना भी बहुत ज़्यादा इजी होगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे क्राफ्ट ही लाऊंगी। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। व्यूअर, सबसे अहम बात, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये दुआएँ होती हैं जो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। तो मैं भी अपने सारे सब्सक्राइबर के लिए जो है वो दुआ करती रहती हूँ कि इनकी जो भी मुश्किल परेशानियाँ हैं वो सारी दूर हो जाएँ। आप भी मेरे लिए इस तरीके से दुआएं करते रहिएगा, और ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी और बहुत प्यारी प्यारी सी वीडियोज जो हैं वो लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर बेस्ट फीडबैक एवर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह।